हेलो एवरीवन, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल लर्न एवरीथिंग विद मी। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस बार जो चुनाव हो रही है ना, लोकसभा 2019 का, ये बहुत बड़ा चुनाव है। और इस चुनाव से रिलेटेड मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो कृपया आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहें हमारे चैनल को। लेट्स बिगिन। हाँ दोस्तों, इन सबको शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि वोट करना आपका अधिकार है, आपको इसे ज़रूर करना चाहिए। तो फैक्ट नंबर वन, ECI, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ने इस बार पूरे भारत में टोटल 10 लाख पोलिंग स्टेशंस सेट किए हैं, जो कि 2014 के इलेक्शन के मुकाबले 10% ज़्यादा है। सोचिए। फैक्ट नंबर टू, पहले जो भी चुनावी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते थे ना, उसे अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड पोल पैनल को ही सिर्फ एफिडेविट करके देना पड़ता था, लेकिन इस बार के चुनाव में उन सभी उम्मीदवारों को अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड न्यूज़पेपर और टेलीविज़न पे पब्लिक को भी दिखाना पड़ा। फैक्ट नंबर थ्री, पहली बार EVM, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और पोस्टल वैलेट में सभी कैंडिडेट्स के पिक्चर और सिंबल भी होंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि किसी भी प्रकार के दंगे में इन पॉलिटिकल लीडर्स को जनता के द्वारा पहचाना जा सके। फैक्ट नंबर फोर, फॉर द फर्स्ट टाइम पूरे कंट्री में इस बार VVPAT का यूज़ किया जा रहा है। तो आप लोगों को शायद पता ना हो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, VVPAT का मतलब होता है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इस VVPAT का यूज़ करके सभी वोटर को अपने वोट को वेरीफाई करने की अनुमति दी जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप वोट का बटन दबाएंगे, ये VVPAT प्रिंटर में एक प्रिंटेड स्लिप दिखेगा, जिसमें उस उम्मीदवार का सीरियल नंबर, नाम और चिन्ह दिखेगा जिसको आपने वोट करा है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने जिसे वोट किया है, क्या रियल में वही उम्मीदवार वहाँ पे है या नहीं। फैक्ट नंबर फाइव, एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये भी है कि लगभग 900 मिलियन पीपल, दैट मीन्स 90 करोड़ लोग इस बार वोट के लिए नियुक्त हुए हैं, जो कि लगभग यूरोप और ब्राज़ील के टोटल पॉपुलेशन के आसपास है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, हमारे देश की आबादी क्या है। फैक्ट नंबर सिक्स, ऐसा माना जा रहा है कि 84.3 मिलियन लोग 2019 के लोकसभा इलेक्शन में पहली बार वोट देने वाले हैं, पहली बार। फैक्ट नंबर सेवन, इस साल के इलेक्शंस में हमें काफ़ी रोचक चीज़ें देखने को मिल रही है ना। चूँकि हम जानते हैं कि अगर विश्व में कोई ऐसा देश है जिसमें युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो है हमारा देश भारत। इसी से रिलेटेड एक और फैक्ट ये भी है कि इस बार 15 मिलियन यानी 1 करोड़ 50 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनकी आयु 18 से 19 के बीच में। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की युवा आबादी कितनी है। फैक्ट नंबर एट, फेज वन के इलेक्शन में सबसे अमीर उम्मीदवार का नाम है KV रेड्डी। याद रखिए, सबसे अमीर उम्मीदवार का नाम है KV रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, जिनकी पारिवारिक संपत्ति 895 करोड़ है। आप सोच सकते हैं 895 करोड़। फैक्ट नंबर नाइन, फेज वन के इलेक्शन में सबसे गरीब उम्मीदवार का नाम है नल्ला प्रेम कुमार, जिनकी पारिवारिक संपत्ति है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़। तो अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या है ना। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों, सबसे अमीर और सबसे गरीब, जो दोनों उम्मीदवार हैं, वो एक ही सीट से एक दूसरे के लिए एक ही जगह से लड़ रहे हैं, और ये दोनों तेलंगाना के चेवेल्ला लोकसभा चुनावी क्षेत्र से हैं। फैक्ट नंबर टेन, अब आप वोट देने के लिए 12 अप्रूव्ड आइडेंटिटी कार्ड्स, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और भी बहुत सारे कार्ड्स, इनमें से कोई भी लेकर जा सकते हैं। पहले क्या होता था, फोटो वोटर स्लिप को ही आइडेंटिटी कार्ड माना जाता था, लेकिन इस बार आपको अपने साथ आइडेंटिटी के लिए कोई भी आईडी कार्ड लेकर जाना ही पड़ेगा। फैक्ट नंबर 11, इंडिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है तहसीगंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। क्या आप जानते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 15,200
256 फीट। फैक्ट नंबर 12, कथित तौर पर चुनावी कर्मियों का एक समूह इस बार अरुणाचल प्रदेश में एक अकेला वोटर तक पहुंचने के लिए पूरे दिन के लिए बढ़ोतरी करेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में वोट को कितना वैल्यू दिया जाता है? सिर्फ एक वोटर है, उसके लिए चार लोग एक समूह बनाकर जाने वाले हैं। फैक्ट नंबर 13, यह लोकसभा इलेक्शन अभी तक का सबसे लंबा चलने वाला इलेक्शन होगा, क्योंकि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में कुल 36 दिन लगे थे इसे पूरा होने में, पर इस बार चुनाव 7 चरणों में हो रही है और इसे खत्म होने में कुल 39 दिन लगेंगे। सभी चुनाव के रिजल्ट 23 मई को डिक्लेयर किए जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।